हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। देखिए, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। इसमें इसके सारे एंगल्स 60 डिग्री पे हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म है ये, ठीक है। ठीक है, इससे हमें इमेज बनानी है। अब देखो क्या होगा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से इस पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पे हम बना देते हैं नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बना ली, ठीक है। तो देखो, रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब जाना तो ऐसे स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और बेंड होके कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब जो ये दूसरा वाला सरफेस है, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल बना देते हैं, ये ठीक है। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये जो रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसे कहते हैं एमर्जेंट रे। ठीक, अच्छा, अगर ये प्रिज्म ना होता यहाँ पे, तो ये जो रे है इसने कैसे जाना था, इसने कुछ इस तरीके से सीधे चले जाना था, ठीक है, अगर ये प्रिज्म ना होता। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती, इस तरीके से, ठीक। लेकिन प्रिज्म है, प्रिज्म की वजह से ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से डेविएट हो गई है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे जो एंगल है इंसिडेंट रे को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और एमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो जो ये एंगल यहाँ पे मिल रहा है, इस एंगल को कहते हैं डेल, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अभी जैसे ही रे ऑफ लाइट आई थी तो इंक्लाइंड फॉर्म में आई थी, लेकिन अगर हम इसी रे ऑफ लाइट को इस तरीके से ऐसे नॉर्मली लेके आते हैं, तो जैसे ही वो नॉर्मली आती इस वाले सरफेस पे, तो ये बिना बेंड हुए सीधे जाती। क्यों? क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस पे नॉर्मली पड़ती है तो वो बेंड नहीं होती है। अब ज़रा यहाँ पर एंगल्स मार्क कर लेते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। अब अगर इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं, तो ये 60 है, ये 90 है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब इस वाले सरफेस पे मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ, ये हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, ठीक है, और एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये था इक्विलेटरल प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास है अब एक राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है, जिसके एंगल्स कितना है, ये 90 डिग्री है,
ये वाला 45 है और ये वाला भी 45 है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है, अब कह रहे हैं कि इस प्रिज्म के थ्रू जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखिए इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स कुछ ऐसे हैं कि पहली रे ऑफ लाइट यहाँ से इसके टिप से हम इस तरीके से लेके जाएंगे और ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पड़ रही थी इस वाले सरफेस पे, तो जब भी नॉर्मली पड़ेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, वो सीधे चली जाएगी। अब मैं अगर इसके एंगल्स मार्क कर लूँ तो ये 45 था, ये 90 है, ये वाला बचा हुआ एंगल भी कितना हो गया 45। अब इस वाले सरफेस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 तो ये हो गया, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अब देखो क्या हो रहा, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है और यहाँ पे 45 डिग्री का इंसिडेंट एंगल है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए होता है 42 डिग्री, 42 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जो ये रे ऑफ लाइट है ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। क्यों होगा 45? क्योंकि एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या होगा कि जब ये वाली रे ऑफ लाइट आ रही थी तो इस वाले सरफेस पे नॉर्मली पड़ रही है, वो सीधे चली जाएगी। अब दूसरा बनाते हैं कि इसका जो जो ये ऑब्जेक्ट है उसका जो बॉटम पॉइंट है उससे बनाते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंडीशन लगेगी कि हम एक रे ऑफ लाइट को लेके आएंगे और इस वाले सरफेस पे नॉर्मली पड़ेगी तो बिना बेंड हुए सीधे जाएगी, ठीक है। ये अब जैसे ही इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो इस वाले सरफेस पे हम बना देते हैं एक नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बना दिया। एंगल्स देखें तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। अगर ये एंगल 45 हो गया तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में आ जाएगी और जो ये दूसरा सरफेस है जब ये दूसरे सरफेस पे पड़ेगी तो 90 डिग्री पे पड़ेगी और वो बिना बेंड हुए सीधे चली जाएगी। अब जो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कैसी है, देखो क्या, इसका जो बॉटम पॉइंट था वो यहाँ आ गया, इसका जो टॉप वाला पॉइंट था वो यहाँ आ गया, तो इमेज कैसी बनेगी इस तरीके से। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ कि अगर ये ए बी है तो इमेज कैसी बनेगी, ए डैश बी डैश, इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। अगर राइट एंगल प्रिज्म कुछ इस तरीके का कि ये 90 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, अब कह रहे हैं कि इसमें बनाओ इमेज, तो इसमें देखो कैसे बनेगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, बेंड नहीं होगी। बेंड क्यों नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली पड़ रही है सरफेस पे तो सीधे चली जाएगी। अब इस वाले सरफेस पे हम बना देते हैं एक नॉर्मल। अब जरा एंगल्स देखें तो एंगल्स कितने हैं, ये 30 है, ये कितना है, ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। डेंसर से रेयरर में तो जा रहा है लेकिन क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्रिटिकल एंगल से कम होने की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तब जो इसका जो दूसरा पॉइंट है बॉटम पॉइंट, उससे भी बना लेते हैं इमेज। इस वाले से भी सेम इसी तरीके से जाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अच्छा, ये पहले वाले सरफेस पे देखो बेंड नहीं हो रही है रे ऑफ लाइट। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रही है, और जो 90 डिग्री पे आएगी वो बिना बेंड हुए सीधे चली जाएगी। ठीक है, अब इस दूसरे वाले सरफेस पे भी बना लेते हैं हम नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल बना लिया। ठीक, यहाँ पे भी अगर हम एंगल्स देखें तो एंगल्स कितना है? ये 30 है, ये 90 है, ये वाला 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 था। देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से कम है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। ये इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो कुछ ऐसे बनेगी। ये ऊपर वाला पॉइंट आ रहा था ऐसा, ये कुछ ऐसी इमेज बनेगी। अगर मैं पॉइंट्स मार्क कर दूँ कि ये ए बी है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश ऐसा। ठीक है, चलिए देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से कर रखी है। ये हो गया 45, ये 90 है, और ये भी 45 है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पूछा गया कि इसकी इमेज कैसे बनानी है। तो देखो, इसकी इमेज बनाएंगे कैसे, ये रे ऑफ लाइट आएगी, ये बिना बेंड हुए सीधे जाएगी इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ जाएगी। अब एंगल्स देख लेते हैं, तो ये 45 था, ये 90 है, ये भी 45 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं ज़रा। ये हमने नॉर्मल बना दिया। ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो रे ऑफ लाइट कैसे बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये। अच्छा, अब ये वाले सरफेस पे देखते हैं कि कितने एंगल पे आके ये यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बना रही है। अब देखो क्या है, ये 45 है, ये 45 हो गया, इधर वाला भी 45 हो जाएगा। ये 90 है, ये 45 है, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। इस वाले सरफेस पे भी अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, बना देता हूँ इस वाले सरफेस पे नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बना दिया यहाँ पे। ये अगर 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 हो गया। अब देखो क्या है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयरर में आ रही है रे ऑफ लाइट। तो जब कभी भी डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा सिंपली। तो देखो यहाँ पे 42 डिग्री से ज़्यादा है, ग्लास के लिए टोटल क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 45 है, तो 45 42 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रे ऑफ लाइट जाएगी बिना बेंड हुए इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा बना लेते हैं। अब देखो क्या, इसकी वजह से बना लेते हैं इस दूसरे वाले की।
थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं जरा। ये इससे रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ये ठीक है। तो ज्योमेट्री लगा के देखेंगे तो ये हमें 45 मिलेगा, ठीक है, और ये 90 है, ये 45 है, ये वाला भी 90 है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बना नॉर्मल बनाएं इस जगह पे, अगर हम नॉर्मल बनाएं तो नॉर्मल इस तरीके से आएगा, ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो यहाँ पे भी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे पहले वाले केस में हुआ वैसा ही होगा। इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे, इस जगह पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फाइनली ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हुए इस पोजीशन पे आके मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ मिल रहा था, तो इसका टिप तो इस साइड में मिलेगा और इसका जो बॉटम पॉइंट है वो इधर मिलेगा, और इमेज जो बनेगा वो इस तरीके से मिलेगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो प्रिज्म के थ्रू इस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा और इस तरीके से इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।